हाथीगांव नगर व क्षेत्र में लंबे समय से कीटनाशक दवा खाद बीज की दुकानों पर भोले भाले अन्नदाता किसानों को बिना पक्के बिल के खाद बीज कीटनाशक दवा बिक्री का खेल सहित अनामक बीज एवं नकली खाद बीज का कारोबार खातेगांव में फल फूल रहा है। किसानों की शिकायत पर खातेगांव नगर में उड़नदस्त दल ने नगर की विभिन्न खाद बीज एवं कीटनाशक दवाओं की दुकान पर पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण किया तो खातेगांव नगर की अनेक दुकानों के शटर गिरा गए और अनेक दुकानों में हड़कंप मच गया। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खातेगांव कृषि विभाग के अधिकारी एनएस गुजर जी। गुजर जी, कल किस प्रकार की कार्रवाई खातेगांव खाद बीज दुकानों पर की गई, क्या मामला था पूरा? इसमें जिले से उड़नदस्ता प्रभारी श्री दिलीप जाट जी आए थे, उनके साथ में कृषि विकास अधिकारी श्री बरडे जी और परमार जी थे। वहाँ पे जिनके दुकानों का मतलब जैसे खाद बीज दवा जो बेची जा रही है उनका निरीक्षण किया गया, जिसमें पापी एंटरप्राइजेज में जहाँ पे हमने उसका निरीक्षण किया, इसके बाद उसका सैंपल भी दिया, इसके बाद अवंतिका एंटरप्राइजेस का निरीक्षण किया, इसके बाद श्याम कृषि सेवा केंद्र, बाकी सब्सिडी बीज भंडार, इन सभी का निरीक्षण किया गया और यहाँ पर कुछ अनियमितता पाई गई, उनके हमने पंचनाम वगैरह वो बनाए। इसके बाद पटेल कॉम्प्लेक्स में, इसमें पटेल कृषि सेवा केंद्र, नवामी सीड्स, इसके बाद माँ कालिका कृषि सेवा केंद्र, इनसे सैंपल भी करेंगे और कुछ अनियमितता पाई गई उसके लिए बिल्कुल नोटिस दिए जाएंगे। किसान यूनियन और अन्य संगठन के लोग लगातार नगर में जो अन्य नकली दवा खाद बीज का विक्रय हो रहा है, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या यह घटनाक्रम सत्य है क्या? नहीं, ये देखिए क्या, जितने भी व्यापारी है जो कीटनाशक दवा बेच रहे हैं वो सभी के पास लाइसेंस है। कुछ त्रुटियां ऐसी रह जाती हैं, जैसे वो अपना जो है स्टाक रजिस्टर संधारण नहीं करते हैं, समय पर अपनी अथॉरिटी वगैरह नहीं जुड़वाते हैं, तो बाकी के एक भी ऐसा कीटनाशक या दवाई खाद का व्यापारी नहीं है जिसके पास लाइसेंस नहीं हो। सभी नियमित रूप से अपने जो है अधिनियम के तहत ही अपने जो है खाद बीज दवा का विक्रय कर रहे हैं। लगातार सुनने को मिल रहा है कि बीज के नाम पर भी बहुत बड़ा खेल हो रहा है खातेगांव में। मंडी से जो विक्रय क्रय किया जाता है व्यापारियों के द्वारा, जो उसको बीज के नाम पर बेचा जा रहा है। देखिए क्या है कि यहाँ पे जो बीज जिसको कहते हैं, बीज एक जो है डेक और पैक से जो आता है प्रमाणीकरण बीज जिसको कहते हैं, जिसमें उसके जो है उसके पूरे नंबर रहते हैं, उसके के कितने इसमें जो लॉट नंबर क्या है, वो जी कब प्रमाण कितने एक्सपायरी डेट है। जो मंडी व्यापारी है, मंडी व्यापारी खुला बीज लाते हैं, वो उसको बीज नहीं कहते हैं, वो एक अनाज बेचा जा रहा है, वो इसमें जो है हमारे अधिनियम में नहीं आता और हमारे उसमें हम कार्रवाई भी नहीं कर सकते। तो ये जो बीज खेत में बोया जाता है बीज के नाम पर जो, तो इसकी क्या गारंटी रहती है? नहीं, इसमें जो गारंटी रहती है कि किसान जहाँ से खरीदता है वहाँ से पक्का बिल ले और उसमें उसका जो है पूरा लॉट नंबर रहता है, और उसमें अगर जब बोनी करता है, बोनी के बाद अगर वो नहीं उगता है तो पूरी वैधानिक कार्रवाई करके किसान को जो है पूरा पैसा वापस दिलाया जाता है। अगर कंपनी पैसा वापस नहीं देती है तो उसके बीज एक्ट के तहत उनको सजा तक का प्रावधान है। ठीक, धन्यवाद सर। वन विभाग के शाजापुर रेंज वन चौकी भाषा क्षेत्र में एक नील गाय ग्रामीणों को दिखाई दी, जिसका कुत्ते पीछा कर रहे थे। उस कुत्ते को ग्रामीणों ने भगाया, जिसकी वजह से नील गाय सुरक्षित रही। किसान ज्ञानेश्वर शंकर के खेत में मिली, जिस पर किसानों ने वन चौकी पर जाकर सूचना दी, तो मौके पर वन रक्षक सुनेन्द्र यादव, जितेंद्र त्यागी और वाहन चालक दत्त महाराज बारिश के पानी में ही मौके पर पहुंचे। नील गाय 500 मीटर दूर खेत में घायल अवस्था में थी, तो ग्रामीणों की मदद से लकड़ी से बांध कर लोडिंग वाहन तक लाया गया और उसे अस्पताल के लिए बुरहानपुर ले जाया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जंगल के अंदर अंधाधुंध कटाई चल रही है, जिस वजह से जंगली जानवर रहवासी क्षेत्र में आ रहे हैं।